तो जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा, छोटे से क्लिप में आपको सैमसंग K50 में हमने पॉपअप मल्टी विंडो चलाकर दिखाई थी। यानी मल्टी विंडो यानी कि आप दो एप्लीकेशन एक साथ रन कर सकते हो एक ही स्क्रीन के ऊपर, या भी स्क्रीन के ऊपर आप कोई भी एप्लीकेशन पॉपअप स्क्रीन के ऊपर ला सकते हो। तो सैमसंग का A50 अगर आपके पास में है और आप यूज़ कर रहे हो A सीरीज़ का कोई भी फ़ोन, तो आपके फ़ोन में इनेबल नहीं है पॉपअप विंडो या फिर मल्टी विंडो ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा होगा, तो हम आपको बताएंगे किस तरह से आपको पॉपअप विंडो या फिर मल्टी विंडो इनेबल करना है। इस वीडियो कंप्लीट देखिए, पूरा कंप्लीट दिखाएंगे आपको कि मल्टी विंडो आप कैसे ओपन कर सकते हो, आप एट ए टाइम दो एप्लीकेशन अपने स्क्रीन के ऊपर चला सकते हो और अपना जो काम है बहुत इजी कर सकते हो। और ऑलरेडी अगर MIUI 10 के अंदर यानी कि रेडमी के फोन्स में ये ऑलरेडी इनेबल है, आपको ये ऑलरेडी ओपन मिलता है, लेकिन A50 में आपको डेफिनेटली ये देखने नहीं मिलता। कैसे इसे ओपन करना है इस वीडियो कंप्लीट देखिएगा, आपको डिटेल बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो है सैमसंग का A50 डिवाइस, और देखिए फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम इसे पॉपअप विंडो के ऊपर कर सकते हो। देखिए ये पॉपअप जो है आपको स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, ये यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन को भी ओपन कर सकते हो, यहाँ से उसे स्मॉल कर सकते हो और ये आपको कहीं भी चला जाएगा ये एप्लीकेशन, उससे फिर से ओपन आप कर सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स है, लेकिन आपको इनेबल नहीं मिलता, आपको इनेबल करना पड़ता है। अगर आप साथ में अगर मल्टी विंडो ओपन करना चाहते हो तो मल्टी विंडो भी ओपन हो जाता है। ये रहा यूट्यूब, अगर आप ये है क्रोम ब्राउज़र, अब आप अगर यूट्यूब को करना चाहते हो मल्टी विंडो, बस ड्रैग कीजिए, यहाँ पर है नीचे YouTube, ऊपर भी YouTube, आप दो YouTube एक साथ चला सकते हो या फिर आप दो एप्लीकेशन एक साथ यूज़ कर सकते हो। ये नीचे का YouTube है और यह है ऊपर YouTube, तो बहुत कमाल का ऑप्शन है। कैसे इनेबल करते हैं तो देखिए, आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली अपने Samsung A50 के डिवाइस में सबसे पहले Galaxy A स्टोर को फाइंड करना है। Galaxy A स्टोर में आप जैसे ही इंटर करोगे तो वहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्च करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको सर्च करना है गुड लॉक, GOOD, गुड आप देख सकते होंगे गुड LOCK लॉक। अब इसे आपको क्लिक करना है, अब आपको इसे इंस्टॉल करना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, कुछ इस तरह से दिखता है गुड लॉक, मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया है। अब इंस्टॉल करने के बाद में आपको ये ओपन करने बोलेंगे, तो आपको इसको ओपन करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर मिलेगा मल्टी स्टार का एक ऑप्शन, मल्टी स्टार को ओपन कीजिए। अब इसे भी आपको इंस्टॉल करना है, वो आपको इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो आपको करना है, आपको इंस्टॉल करने के बाद में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, चेंज स्प्लिट कलर स्क्रीन कलर, वहाँ पे आपको ओके करना है। यूज़ मल्टी विंडो विदाउट पॉजिंग, इसे ओके करना है। इनेबल मल्टी विंडो टू ऑल ऐप्स, इसे भी ओके करना है। जब आप इसे ओके करोगे तो ये रिस्टार्ट करने बोलेगा, तो आपको इसे ओके करके रिस्टार्ट करना है। ओके, अब इसके बाद में आपको सिर्फ सिंपली बाहर निकल जाना है, बस कुछ नहीं करना है। अब जैसे ही इसे आप ओपन करोगे, अब बाद में जैसे ही आप टास्क को ओपन करोगे, ये देखिए ये कुछ इस तरह से आपको आप अगर इसे यहाँ पे प्रेस करके रखते हो तो ये आ जाएगा आपका बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर। तो ये पॉपअप विंडो वाला ऑप्शन, आप इसके ऊपर सब कुछ कुछ भी चला सकते हो, ये आप इसे मिनिमाइज़ भी कर सकते हो। देखिए किस तरह से मिनिमाइज़ हो चुका है, अब इसे आप कहीं भी ले जाइए, आप यहाँ पर ले जा सकते हो, अब इसे यहाँ पर भी आप इसे ओपन कर सकते हो, और साथ में आप अपनी स्क्रीन को भी ऑन रख सकते हो। देखिए स्क्रीन ऑन रखी हुई है, आप बिल्कुल यहाँ पे आप फ़ोन पे यूज़ कर लीजिए, अपने काम को भी यूज़ कर सकते हो, और साथ में ये पॉपअप विंडो भी आप छोटी करके आप उसे कहीं पे भी ले जा सकते हो। बहुत कमाल का फीचर्स मुझे लगा कि बस सिंपली अगर आपको ये इनेबल करना है तो कुछ जैसे आपको करना होता है, मैंने आपको दिखाया कैसे करना है। तो अगर आपको इसे फिर से क्लोज़ करना है तो आप क्लोज़ कर लीजिए, ये ड्रैग हो चुका है। अब देखो आप कि सिंपली आप यहाँ पे YouTube भी एंजॉय कर सकते हो और यहाँ पे कैमरा भी आप ओपन कर सकते हो। तो ये अगर वो दिखाओ तो यहाँ पे अगर कोई वीडियो में ओपन कर रहा हो, तो जैसे कि मैं यहाँ पे कोई वीडियो चला देता हूँ, जैसे कि ये है वीडियो, ये वीडियो मैंने चला दी यहाँ पे बाजू में, और इधर कैमरा भी मैं ओपन कर रहा हूँ। तो बहुत कमाल का फीचर्स है मेरे हिसाब से तो, और बिल्कुल ज़बरदस्त फीचर्स है। देखिए आप इधर कैमरा यूज़ कर सकते हो, साथ ही में इधर आप यूट्यूब भी देख सकते हो, यूट्यूब अगर आपको देखना है तो यूट्यूब भी आप देख सकते हो। बहुत बढ़िया फीचर्स मुझे लगा, तो मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। अगर आप इसे इनेबल करना चाहते हो तो मैं जैसे बताया आपको वैसे आप बिल्कुल डेफिनेटली कीजिए, और आप इसके साथ में बहुत अच्छा इन्जॉय कर सकते हो। ओके, तो बस आज की वीडियो इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।